नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं बीते हुए वर्ष 2017 के बारे में। जी हाँ, 2017 को अलविदा कह रहे हैं और 2018 के स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। 2017 में विश्व में बहुत सारी घटनाएं घटी, देश में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से 2017 कैसा रहा? आखिर 2017 में क्या उपलब्धियां मध्य प्रदेश के खाते में जुड़ी, कौन कौन से विवाद इस प्रदेश में देखने को मिले और वे कौन सी बड़ी घटनाएं थी जिन्होंने इस प्रदेश में उठा पटक करने पर सरकार को साथ ही साथ सोचने के लिए यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया। तो आइए एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश में 2017 में घटी कुछ ऐसी ही बड़ी घटनाओं पर। 2017 में हुए केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वे में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी। मई माह में जारी हुए आंकड़ों में मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर को देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। वहीं दूसरे नंबर पर प्रदेश की राजधानी भोपाल रही। भारत के 434 शहरों में हुए सर्वे में कई पैमानों पर ये दोनों शहर खरे उतरे। खंडवा जिले में बनने वाले सरदार सरोवर बांध के कारण हरसूद गांव पूरी तरह पानी में डूब गया। धार जिले का निसरपुर भी इसी बांध के कारण डूब इलाके में आया। 10,000 आबादी वाला यह गाँव सरदार सरोवर बांध के कारण डूब गया। यह गाँव उरी वाघिनी नदी के किनारे बसा था जो नर्मदा की सहायक नदी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुलाई अंत तक इस गांव को विस्थापित कराया गया। सरदार सरोवर बांध पर 138.68 मीटर के नए लेवल तक गेट लगाने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई अंत तक धार जिले के 76 गांवों के डूब प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सरकार के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध भी जाहिर किया। प्रशासन ने इन गांवों को खाली तो करा दिया, लेकिन आज भी नए इलाकों में ग्रामीण अपनी जीविका के लिए परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में जून माह में किसानों ने कर्ज माफी और फसलों के वाजिब दाम की मांग को लेकर आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान प्रदेश में हिंसा भी भड़की। नीमच में प्रशासन की ओर से हुई कार्रवाई में गोली लगने से 3 किसानों की जान चली गई। इस दौरान प्रदेश की सड़कों पर किसानों ने सब्जियां फेंकी, दूध के ट्रक उड़ेल दिए और सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। इस आंदोलन पर राजनीति भी खूब हुई और कांग्रेस ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर आरोप लगाए। इस आंदोलन से प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसान हितैषी छवि पर भी सवाल उठे। किसानों की मौत की घटना और किसान आंदोलन से आहत होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उपवास रखा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के उपवास का यह कार्यक्रम भी विवादों में बना रहा। मुख्यमंत्री के उपवास के आयोजन को लेकर प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाए और इस आयोजन को करोड़ों रुपए का खर्च बताया। प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता और मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए भी 2017 मुसीबत भरा रहा। इस साल चुनाव आयोग ने उन्हें वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज सहित चुनाव खर्च की गलत जानकारी देने के मामले में अयोग्य घोषित करार दिया। चुनाव आयोग ने उन्हें 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इस मामले में बाद में मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उनके मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। मामले में हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2012 में हुए व्यापम घोटाले में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट दे दी। सीबीआई की जांच में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा हार्ड डिस्क से छेड़छाड़ के लिए लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया गया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 490 लोगों को आरोपी बनाया। साथ ही सीबीआई ने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा जब्त की गई हार्ड डिस्क के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। इस क्लीन चिट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ी राहत देने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसी वर्ष 30 सितंबर से अपनी नर्मदा यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के लिए भले ही दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से 6 माह के लिए अवकाश लिया हो, लेकिन फिर भी उनकी इस यात्रा से प्रदेश में सियासी हलचल मच गई। दिग्विजय सिंह को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके साथ नर्मदा किनारे चलते हुए अपने लिए राजनीतिक रास्ता तलाशते नजर आए। 2017 के नवंबर माह में इंदौर हाईकोर्ट ने गलत जानकारी देने के मामले में सुनवाई करते हुए धार की विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा की पत्नी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया। इस मामले में नीना वर्मा ने बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें मामले में अंतिम फैसला आने तक राहत मिल गई। प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी वर्ष 2017 उतार चढ़ाव भरा रहा। इस बार प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में सफल रही। जहां कांग्रेस ने प्रदेश में हुए निकाय चुनावों में अपनी सीटें बढ़ाई, वहीं चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र को भी भाजपा के हाथों से ले लिया। चित्रकूट में हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के दिग्गजों द्वारा पूरी ताकत लगाने के बावजूद कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी ने बाजी मारी और विधानसभा में पहुंचे।
नवंबर माह में प्रदेश की राजधानी में छात्रा के साथ हुई दुष्कर्म की घटना ने प्रदेश के नाम पर एक बड़ा कलंक लगा दिया। 3 नवंबर को हुई इस घटना ने प्रदेश के पुलिस विभाग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। घटना का विरोध होने के बाद सरकार हरकत में आई और आनन फानन में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की। वहीं 23 नवंबर को इस घटना के 4 आरोपियों को फास्ट ट्रैक अदालत ने अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और देश भर में विरोध की भेंट चढ़ी फिल्म पद्मावती को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने 22 नवंबर को प्रतिबंध लगा दिया। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस फिल्म में राजपूतों का अपमान बताया और इसे प्रदेश में लागू नहीं होने देने की बात कही। देश में हो रहे विरोध को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस फिल्म को प्रदेश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो ये थे 2017 में मध्य प्रदेश में घटे 10 बड़े घटनाक्रम, जहां कुछ ऐसे घटनाएं जिन्होंने पूरे साल मध्य प्रदेश का नाम चर्चाओं में बनाए रखा और कहीं ना कहीं इन पूरी घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश में गहमागहमी की स्थिति भी बनी रही। बहरहाल हमारे इस सेगमेंट में इतना ही, और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया।